एक और जसपाल भट्टी से आपको मिलवाते हैं, उन्हें जूनियर भट्टी कहते हैं, जो हूबहू उन्हीं के जैसे दिखते हैं। ये है जूनियर भट्टी, जो हूबहू जसपाल भट्टी की तरह दिखते हैं, जो कहते हैं कि जसपाल भट्टी एक ऐसे कलाकार थे जिनके जैसा कोई नहीं हो सकता। उन जैसे कलाकार कितना भी उनकी तरह होने की कोशिश करें, लेकिन वे कला में कभी उनके बराबर नहीं पहुंच सकते। आज भी जब वे कहीं भी या किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो वे सुबह सबसे पहले जसपाल भट्टी जी का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलते हैं, और आज वो जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है। गुरमीत चावला, चावला साहब भी बोलते हैं, भट्टी साहब भी बोलते हैं फ्रेंड सर्कल में, जो और जूनियर भट्टी कैसे हो, ये प्यार से बोलते हैं। मेरे को बड़ी मतलब फ़ख्र महसूस होता है भाई, इतने बड़े आर्टिस्ट का नाम मेरे साथ जुड़ा है। एक्चुअली भट्टी साहब तो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे, उनका तो मुकाबला करना इम्पॉसिबल है, वो तो एक मिसाल थे। मतलब एक्चुअली मेरे को कॉलेज टाइम से शौक था थोड़ा बहुत छोटे मोटे स्टेज करने का, बात बात पे पंच मारने का, हंसाने का लोगों को, फिर लोग मजाक में मेरे को कह देते थे। तो फिर धीरे 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 अब मैं कम से कम 400 के आसपास लाइव शो होस्ट कर चुका हूँ, जिसमें अभी लास्ट टाइम मेरा माशा अली के साथ शो था, ऐसे गिप्पी पाजी के साथ, अभी लास्ट टाइम शेरी मान के साथ मेरे को स्टेज होस्ट करने का मौका मिला, ऐसे कई बड़े बड़े, अभी जस्सी गिल के साथ मेरा शो था देहरादून के अंदर JBIT इंस्टीट्यूट में। मैं भट्टी साहब के एक्चुअली आपको सही बताऊँ तो रोज़ ही दर्शन करता हूँ उनकी, मैंने बहुत बड़ी फ़ोटो अपने रूम में लगा रखी है, तो उनको सुबह उठ के मैं नमस्कार करता हूँ, उनको मैं अपना आइडल मानता हूँ। एक्चुअली अगर इस लाइन में मैंने स्टेप रखा है तो उनको देख के, उनके प्रोग्राम्स टीवी में देख के, उनका उल्टा पुल्टा प्रोग्राम आता था, चाहे मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं जहाँ भी हूँ बस्ता फेंक के, मैंने उनका वो जरूर देखा।